सिवनी बालाघाट मार्ग पर सिल्वर टोल प्लाजा के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सहित कई वाहन यूनियनों ने चक्का जाम किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अवैध टोल प्लाजा बनाकर वसूली की जा रही है। सिवनी बालाघाट मार्ग पर सेलुआ टोल प्लाजा पर वसूली का जमकर विरोध हुआ। सभी वाहन यूनियन के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया और चक्का जाम किया। मौके पर पुलिस एवं जिला प्रशासन सिवनी के अधिकारियों द्वारा टोल नाके को अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सिवनी बालाघाट मार्ग में अवैध टोल वसूली केंद्र खोल दिया गया है, जहां वाहनों से वसूली के नाम पर लूट और गुंडागर्दी हो रही है। इस दौरान सेलुआ घाट स्थित टोल वसूली केंद्र पर धरना प्रदर्शन का विरोध जताया गया। डंपर यूनियन, बस यूनियन, टैक्सी यूनियन, जेसीबी यूनियन और तमाम गणमान्य नागरिक यहां पर एकत्रित हुए और उसका पुरजोर विरोध किया। अभी आप देख रहे हैं कि लगभग दो घंटे से ये चक्का जाम है और रोड बंद है। प्रशासन के लोग यहां पर बात करने हम लोगों से आए और उनका कहना है कि अभी हम तत्काल में यहां पर टोल बंद कर, वसूली बंद कर दे रहे हैं और ऊपर हम अधिकारियों से और संबंधितों से बात करेंगे। जी, अभी बिल्कुल जो अभी चक्का जाम हुआ इस लॉन और फिलहाल के लिए बाकी जैसे ऊपर से मिलेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।